नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा गांगले शिखराम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं ISA के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एक ग्रुप है जिसे इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। ये एक जॉइंट एफर्ट है जिसे फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन और इंडिया के PM मिस्टर नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2015 को स्टार्ट किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस का यूज़ करें। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन्हीं कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन कंट्रीज़ में 12 महीने सूरज रहता है जिसके हिसाब से हम जो सोलर एनर्जी उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे और सोलर एनर्जी को कंज्यूम भी कर पाएंगे। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मोटिव यही है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ड्रास्टिकल चेंजेस आते जा रहे हैं हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इसे रोका जाए, इससे लड़ने के लिए ये ग्रुप स्टार्ट किया गया था। तो क्या दूसरी कंट्रीज इसमें पार्ट नहीं ले सकती? क्या इसके अंदर वही कंट्रीज पार्ट ले सकती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कोई भी कंट्री इसके अंदर पार्ट ले सकती है, लेकिन उसे ISA के फ्रेमवर्क को फॉलो करना होगा। फ्रेमवर्क मतलब क्या? ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे रूल, रेगुलेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसके प्रोसेस लिखे होते हैं जिसके हिसाब से कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ईजी होगा उसको फॉलो करने के अंदर। ISA एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छे से रन कर रहा है। इंडिया के अंदर ISA का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर टोटल 114 मेंबर्स हैं। आफ्टर 15 नवंबर 2016 के बाद 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने ISA को ज्वाइन किया है। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए शिखराम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें।